प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 14 मित्र को पत्र नामक पाठ को पढ़कर समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 14 मित्र को पत्र। सबसे पहले आइए सीखें देश की प्रगति की प्रेरणा, श्रम और लगन का महत्व, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, पत्र विधा से परिचय, विलोम शब्द, वाक्य संरचना, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग। प्रिय पंकज, असीम स्नेह, भोपाल 2/12/2007। अपने जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। इसे देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह पत्र, सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। मेरे जन्मदिन के इस उपहार के लिए धन्यवाद। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय है। मुझे एक और उपहार मिला, ऐसा उपहार जिसे पाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार भोपाल में मिले थे, जहां मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने हम सब बच्चों को कंप्यूटर चलाते हुए देखा था और हमसे बातें भी की थीं। समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। उसके बाद हम सब ने निश्चय किया था कि हम उन्हें पत्र लिखेंगे। उन्होंने भी वचन दिया था कि वे हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। मैंने उन्हें पत्र लिखा था। मेरे जन्मदिन पर उनका पत्र मुझे मिला, मैं तो खुशी से झूम उठा। मैं तुम्हें उस पत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया है। प्रश्न: हमें आपके घर पर आना है तो हम क्या करें? उत्तर: मेरा जन्म जहाँ हुआ था वह घर रामेश्वर में है। आप कभी भी किसी भी समय निश्चित रूप से रामेश्वरम आ सकते हैं। मेरा दूसरा घर दिल्ली में है। मैं नित्य सैकड़ों बच्चों से मिलता हूँ। आपसे मिलकर भी मुझे आनंद होगा। आप में से कोई भी कभी भी आ सकता है। प्रश्न: सुविकसित भारत का सपना साकार करने में आप हमारे जैसे बच्चों से क्या आशा करते हैं? उत्तर: मैं 3 चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। पहला, आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पढ़ाई में अव्वल बनो, किंतु मूल्यों के साथ पढ़ाई करो। दूसरा, आप जहाँ भी हैं उसके आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे ऐसे लोग देख सकेंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी सहायता करो। कर सकते हो ना? तीसरी चीज, आप 12वीं कक्षा में आए तब तक आप घर में या आपकी पाठशाला में
5 पेड़ लगा दीजिए, उससे आप पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। प्रश्न, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उत्तर, पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 6ठी 7वीं या 8वीं कक्षा में हों, तब से ही अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। ध्येय मतलब लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी 10 साल की उम्र थी। रामेश्वरम द्वीप में मेरे शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पक्षी कैसे उड़ें यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होना चाहिए, वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। अर्थात उड़ने के लिए आपको कुछ करना होगा। उसके बाद रॉकेट इंजीनियर बना, अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना यह है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए। दूसरी बात पसीना बहाने की है। एक बार जब आपका ध्येय तय कर लें तब आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, किंतु आपको उससे डरना नहीं है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कई प्रश्न आएंगे ही, किंतु उससे डरना मत। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो, प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना पंकज, मेरा यह जन्मदिन विशेष रहा है ना। मैंने काका कलाम की बताई बातों पर विचार किया, उनकी आशाओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल रहूँगा। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 14 मित्र को पत्र पढ़ा, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी द्वारा स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखा था। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे थे? इसका उत्तर होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर कार्यरत रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहाँ मिले थे? उत्तर, बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से भोपाल में मिले थे। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के दो घर कहाँ कहाँ हैं? उत्तर, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के दो घर, एक रामेश्वरम में और दूसरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं? उत्तर, सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बच्चों से अपेक्षाएं की हैं। नंबर एक, पढ़ाई में अव्वल बनो एवं मूल्यों के साथ पढ़ाई करो।
नंबर दो, अपने आसपास के अनपढ़ लोगों की पढ़ने में उनकी सहायता करो। नंबर तीन, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? उत्तर, रामेश्वरम में उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? उत्तर, राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने रॉकेट इंजीनियर व अंतरिक्ष विज्ञानी बनने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या क्या गुण बतलाए हैं? उत्तर, डॉक्टर कलाम जी ने सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए, कठोर परिश्रम और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए, निर्भीकता आदि के गुण बताए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है चित्रकला, तुम्हारी प्रयोग, चित्रकला इसका प्रयोग करेंगे अब हम, तुम्हारी चित्रकला बहुत सुंदर है। बच्चों, प्रयोग के लिए हम कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य हम बनाएं, मुझे चित्रकला अच्छे से बनाना आती है, इस तरह से हम कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है अविस्मरणीय, इस वर्ष इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा। अगला है राष्ट्रपति, इसका प्रयोग, हमारे देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। बच्चों ध्यान रखें, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगे महामहिम लगाते हैं। अगला है अनुत्तरित, अनुत्तरित का बनाएंगे, समय अभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। अगला है रामेश्वर, प्रयोग, रामेश्वर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान है। अगला है पर्यावरण, प्रयोग, हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। बच्चों, अगला है अंतरिक्ष, इसका प्रयोग बनाएंगे, अंतरिक्ष में बहुत से उपग्रह हैं। और अगला है कंप्यूटर, इसका वाक्य बनाएंगे, मेरे घर में एक कंप्यूटर है। बच्चों, अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहला शब्द है सुंदर, सुंदर का असुंदर, इसके बाद अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का विस्मरणीय। अगला है प्रिय, प्रिय का अप्रिय, इसके बाद अनुत्तरित, अनुत्तरित का उत्तरित, फिर अगला है निश्चित, निश्चित का होगा अनिश्चित, इसके बाद विकसित, विकसित का होगा अविकसित। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए, यानी शब्दों को सही क्रम में जमाना है। तो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, का पत्र मिला तुम्हारा बधाई जन्मदिन पर, तो इसका हम
सही वाक्य बनाएंगे शब्दों का क्रम सही करके। जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला, और पूर्ण विराम लगाएंगे अंत में। फिर खवाला है, मिले थे हम पहली बार भोपाल में, इसका बनाएंगे वाक्य, हम पहली बार भोपाल में मिले थे। तीसरा है गवाला, रह गए थे अनुत्तरित प्रश्न कितने ही कारण समय अभाव के, इसका भाई इसका सही वाक्य बनाएंगे, समय अभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। अगला है, बच्चे थे आए कोने कोने से, बच्चे थे आए कोने कोने से मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसका सही वाक्य बनाएंगे, इंदौर में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे, और अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला है बधाई, बधाई का होगा पत्र, राकेट का होगा इंजीनियर, राष्ट्रपति का होगा भवन, अंतरिक्ष का होगा विज्ञानी, और चित्र का होगा कला। तो बच्चों, सही जोड़ी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है, समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।